राजनगरी आगरा में कोरोना वायरस को देखते हुए जहां पूरे भारत में अलर्ट जारी है, तो उसी के चलते आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा यात्रियों का टेम्परेचर मशीन और स्कैनिंग मशीन के द्वारा लिया जा रहा है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही आगरा जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर आने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथों को सही तरह से समय समय पर धोएं तथा मास्क का उपयोग करें। सभी यात्री इसका लाभ उठाएं, इसमें कोई पैसा नहीं देना है और आपका धन भी दूर हो जाएगा। एक मुश्किल से 20 सेकंड का समय लगता है आपको चेकअप कराने में। आइए जल्दी जल्दी कराते जाइए अपना चेकअप। मेरा सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आगरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेन गेट के पास कोरोना वायरस की चेकिंग के लिए कैंप लगाया गया है। आप सभी यात्री निःशुल्क इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता दिखाते हुए एक चेकिंग कैंप यहाँ पे चल रहा है, जिसपे हम सभी पैसेंजर जो आगरा कैंट स्टेशन में आ रहे हैं उन सभी की चेकिंग कर रहे हैं। जो भी अपनी सहमति से चेकिंग कराना चाहते हैं, हम इंश्योर कर रहे हैं कि उन सभी की चेकिंग हो, ताकि कोरोना वायरस के प्रति एक तरह की जागरूकता भी पैदा हो और साथ ही अगर किसी तरह का कोई वायरस है तो उसके बारे में डिटेक्शन भी हो जाए। इसी के तहत जब मुझे जानकारी हुई इसके बारे में, तो मैं भी अपना चेकिंग करवाने के लिए आ गया और हम सभी को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे सभी स्टाफ अपने चेहरे पे भी जिस तरह से मास्क लगाए हुए हैं, और ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि आरपीएफ का हर स्टाफ, केवल आरपीएफ का नहीं बल्कि सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं। आरपीएफ स्टाफ इसके साथ ही सैनिटाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं। अपने ऑफिसेज में हमने सैनिटाइज़र रखवा लिया है। ऐसे तमाम ड्यूटी स्टाफ जो पैसेंजर से डीलिंग करते हैं, उन सभी को इस तरह से डीआरएम साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। डीआरएम आगरा अपने मीटिंग्स में लगातार इसके बारे में हम सभी को जागरूक कर रहे हैं और हम उनके बिहाफ पे अपने सभी स्टाफ को जागरूक कर रहे हैं, ताकि इस तरह की समस्या से आगरा कैंट स्टेशन और आगरा रेलवे डिवीज़न आसानी से निपट सके।